ये सहरी मुझे ना अम्मी देकर गई हैं ऊपर। अभी दही है वो मैं डालूंगी और फिर अंदर दालचीनी का पाउडर डालूंगी और फिर खाऊंगी। ये सहरी का सामान है। मुझे सहरी देख रही है क्योंकि मैं नीचे गई थी हिप आउट के, हिबा ने रोना शुरू किया। मैं फ़ौरन भागी उल्टी पाऊँ वापस आई। माँ की क्या ज़िंदगी है यार, कि बच्चे बच्चे की नहीं डिस्टर्ब। मैं कहती हूँ अकेली माँ की क्या ज़िंदगी है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि कुछ भी नहीं कर सकते। डर होता है हिबा ऊपर के लिए, हिबा ऊपर के लिए, हिबा के लिए। खैर नहीं, अब सहरी कर लेते हैं और उसके बाद मिलते हैं। यहाँ पे बिल्कुल अफ्ताह का टाइम, बिल्कुल सर पे टाइम देख ले, लेकिन टाइम क्या हो गया। और हमारे पास खाने में है ये जो खाना बनाया था कल, वही आज कुछ नहीं बनाया मैंने। दही भले, खजूर है साथ में, आज मैंने जूस फेंका, चलो पी लेते हैं। वीकनेस फील हो रही है इस वजह से पीने लगी हूँ। बस ये मेरा मोस्ट वांटेड पार्सल जो है ना आज रिसीव हो गया मुझे। ये बास्केट कितनी प्यारी है फ्राइज के लिए, और ये कितनी प्यारी है क्यूट सी फ्राइज के लिए है। और ऐसी पैकेजेस मॉल में भी थी। हिबा बहुत खुश हुई है माशाल्लाह कि इसको देख कर मैंने हिबा के लिए मंगवाई है, ताकि हिबा इसके अंदर फ्राइज खा सके, है ना हिबा? अच्छा लगा आपको, खुशी हुई? ये चाने के लिए, ऐसे चाने के लिए बहुत खुश है कि चाने के लिए, चाने के लिए। दो कल भी ये अटेम्प्ट हुई है डिलीवरी की पर फेल होगी, आज रिसीव हो गई। इसकी एडवांस पेमेंट मैंने की हुई थी, ये तकरीबन 500 रुपए की एक पड़ी है मुझे। और इसकी क्वालिटी की अगर बात करें तो बहुत अमेजिंग है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, अगर किसी को चाहिए हो, किसी को अच्छी लगे तो आप मंगवा सकते हैं बिला झिझक के। क्वालिटी की मतलब आपको होगा क्वालिटी कैसी, क्वालिटी बहुत आला है। और अगर देखा जाए ट्रॉली इस लिहाज से छोटी, और ये हैंगिंग बास्केट जो सी है, ये जो सी है ये ज़्यादा बड़ी लग रही है, पर दोनों की क्वालिटी सुपर है। एक ही पेज से मंगवाएं, मतलब एक ही स्टोर से मंगवाएं। सोशल मीडिया के दौर पे बच्चे के अभी मेहंदी लगाई मैंने, तो वो भी स्माइली वाली। हिबा हैप्पी हो? हाँ। अच्छा बनाया मम्मा ने, अच्छा बनाया मम्मा ने। कितना प्यारा लग रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला किस्मत अच्छी करे, मेरे बच्चे के नसीब अच्छे करे, आमीन। इसको भी, इसको भी लगा दूं? ओके लगाती हूँ। नहीं नहीं देखिए जरा पाली सी डॉल माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। सैंडल पहने के बहना के साथ बैठो ना, बहना के साथ खेलो, पाली बहना के साथ खेलो, खेलो है ना, ऐसे ही है ना। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ बाहर कहाँ जा रहे हैं आप? इनको शानू बाब ऐसे ही बड़ा पसंद है, सैंडल बनाए शानू बाब उल्टा शानू बाब उल्टा सैंडल। ओए मेरे चंदे से गर्दन गई, चले के चले चुप के चो, इन्हों सो रहा है यार। ये देखें पहन लिए सैंडल। ग्लास ही बड़े महंगे हैं यहाँ पे। रात को 11 बजे हम पकौड़े खा रहे हैं, दही वाले केले। यहाँ पे मेरा बेबी सो गया है। हिबा को सुनाने के बाद अपने व्लॉग को मैं एंड करने लगी हूँ। आज मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था व्लॉग बनाने का या व्लॉग को एंड करने का, मतलब दिल ही नहीं कर रहा था कुछ भी शूट करूँ कुछ भी बोलूँ। और सुबह से अब तक कोई शूट नहीं किया, मूड इतना ख़राब था, टेंशन थी अजीब, दिल घबरा रहा था, बहुत परेशान था दिल। और शाम को भाइयों के घर चले गए कि हाँ जी माइंड फ्रेश हो जाएगा, बट नहीं हुआ, वापस आए। अब सहर का टाइम हुआ था, मैं व्लॉग एंड कर रही हूँ। बिल्कुल मूड नहीं था, पर एक काम है वो तो करना ही करना है ना, दिल करे या ना करे। काम तो ऐसी चीज़ है कि आपको करनी ही होती है। तो समटाइम्स ना इंसान ना टूट जाता है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, बहुत हिम्मत करती हूँ अपनी बेटी के लिए, बहुत कोशिश करती हूँ कि जी मैं कुछ भी नेगेटिव ना सोचूँ, कुछ भी ऐसा ना सोचूँ।
लाइफ जिस तरह चल रही है चलने दूँ, खुश रहूँ अपनी बेटी के लिए, बट कुछ बातें ना बहुत ज़्यादा दिल को लगती हैं। अब मैं शेयर नहीं करना चाह रही थी, पर आप लोग मेरी फैमिली हैं तो आप लोगों के साथ मैं सब कुछ शेयर करती हूँ, तो मुझे लगता है कि ये भी शेयर करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि हिबा क्या अपने पापा का नहीं पूछते। अब कल रात की बात है, कल मतलब सुबह फजर के बाद से मेरा मतलब दिल नहीं कर रहा, सुबह शहर में भी व्लॉग बनाने का सारा दिन नहीं किया, क्योंकि जब आप खुश होते हो आपको दिल करता काम करने, खुश नहीं होता आपको दिल नहीं करता काम करने का। कल हिबा मुझे कहती है, मामा मेरे पापा कहाँ हैं, जैसे कि वो मेरे भनोई को, मेरे भाई को, शाहजे भाई को वो बाबा कहती है। तो मैंने कहा पापा शॉप पर है, कहती मम्मा मेरे पापा कहाँ पे हैं, और मुझे इतना दूर जाके लेट गई है उल्टा होकर मूड ऑफ करके, और ना फिर रोना शुरू कर दिया उसने, ऊंचा ऊंचा रोना शुरू कर दिया। उसको देख के मैंने रोना शुरू कर दिया, फिर आके मुझे हक करके लेट गई है वो। मैं सोच रही थी मासूम सी बच्ची 2.5 साल की अभी हुई है, कितना वो फील करती है, उसको ये चीज़ ने मुझसे सवाल किया, मेरा कलेजा फटके रह गया, मैं इसको क्या जवाब दूँ, क्या कहूँ, इतने मासूम से जहन पे मैं क्या बोझ डालूँ, कुछ कह नहीं सकती मैं उसको। तो मैंने उसको प्यार किया और उसने मुझे प्यार किया और हम दोनों सो गए। तो फिर फजर के टाइम उठी हूँ, सहर के लिए उठी हूँ, तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं किया व्लॉग शूट करने को। बहुत मजबूरी में मैंने थोड़ा सा व्लॉग शूट किया, सारा दिन गुजर गया, काम किए, कुछ भी दिल नहीं किया व्लॉग शूट करने को। मैं रोना नहीं चाहती, मैं बिल्कुल भी रोना नहीं चाहती, कोई भी लड़की रोना नहीं चाहेगी, खुश रहना चाहता है। पता नहीं मतलब मुझे दुख अपने लिए नहीं होता, अल्लाह जानता है मुझे अपने लिए बिल्कुल दुख नहीं होता, पर अपनी बेटी के लिए उसका ये सवाल सुन के ना कि मतलब दुनिया कितनी बेहिस है, कितनी जालिम है लोगों को, मैं तो चलो ना तीन में ना दे रहा, मैं अपनी औलाद तक का ख्याल नहीं आया। अल्लाह पाक सबको हदायत दे, सब बेटियों के नसीब अच्छे करे, मेरी बेटी के नसीब अच्छे करे। दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला इसको इसके बाप से शख्स कभी इसके माथे ना लगाए यार, दिल दुखता है उसको देखकर। खैर अपना व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक कर दीजिएगा, कुछ सेशन कमेंट सेशन में जरूर बताएगा, चैनल पे न्यू करें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ फिर से मिलूंगा, तब तक अल्लाह हाफिज़।